नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। हाल ही में नूह के महादेव मंदिर पर शांतिपूर्ण तरीके से जल अभिषेक हुआ, जिससे शासन प्रशासन और लोगों ने भी राहत की सांस ली। बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी और तमाम लोग बातें कर रहे थे कि कहीं पिछले साल की तरह इस बार भी किसी तरह की हिंसा ना भड़के, लेकिन मेवातियों ने दिखा दिया कि उनके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, बल्कि भाईचारे का भाव है और इसी के साथ में मिलकर रह रहे हैं। पिछले साल जहां इसी इलाके में शिव भक्तों पर पत्थर फेंके गए थे, गोलियां चलाई गई थी, आगजनी की घटनाएं हुई थी, वहीं इस बार लोगों पर फूलों की बरसात की गई। कल जल अभिषेक यात्रा के दौरान नूह से कई तरह की तस्वीरें सामने आई, जिसने सबके चेहरे पर खुशी दी और यात्रा के दौरान लोगों का खासा ध्यान रखा गया। उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई और पानी पिलाया गया। इतना ही नहीं, नूह, मालव, राजा का मोड़, भादा सहित एक दर्जन गाँव में मुस्लिम समाज के लोगों ने जल अभिषेक यात्रा पर फूल बरसाए। आज देश में हिंदू मुस्लिम शब्द राजनीतिक गलियारों में ज्यादा सुनाई देता है, लेकिन इस विचारधारा से जितना दूर आ जाए इससे आप ही का फायदा है, क्योंकि नफरत की आग से किसी का भला नहीं हुआ है। नूह में जल अभिषेक यात्रा के दौरान मेवातियों ने भाईचारे और प्रेम का जो नजारा पेश किया है उसकी चारों ओर बेहद तारीफ हो रही है। नूह हरियाणा का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल जिला माना जाता है। यह मेव मुसलमानों की आबादी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ कई प्राचीन हिंदू मंदिर भी हैं। 31 जुलाई 2023 के दिन ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा के दौरान हुए दंगे ना हो, इस बात का डर इस बार भी था, लेकिन लोगों की आपसी समझ, सद्भाव और पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम की वजह से सब कुछ ठीक रहा और शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा निकाली गई। यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन से चारों नजर रखी गई, पैरामेडिकल फोर्स तैनात की गई और यही नहीं, यात्रा को लेकर प्रशासन के साथ साथ इस बार पंचायतें भी एक्टिव मोड में नजर आई। राजस्थान और हरियाणा से जुड़ी खापे पंचायत के प्रतिनिधियों ने फिरोजपुर गांव में पंचायत कर लोगों से अमन और शांति की अपील की। इस सब के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई विविधता में एक संस्कृति को दर्शाती है। ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा पर जगह जगह मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा फूल बरसाए गए, मालाएं पहनाई गई और इस यात्रा में करीब 300 धर्मगुरु सहित 7000 श्रद्धालु मौजूद रहे। नूह से मेवात तक ब्रजमंडल यात्रा तीन पड़ाव में होकर गुजरी। पहले नूह के नल्लड़ महादेव मंदिर में जल अभिषेक किया गया, इसके बाद फिरोजपुर छिरका के प्राचीन शिव मंदिर में और आखिर में मेवात के श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में यात्रा का समापन किया गया। मेवात के इतिहास की अगर बात करें तो बेहद खास रहा है। भारत के विभाजन के समय जब देश के अनेक हिस्से सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त थे, तब भी मुस्लिम बहुल यह इलाका सांप्रदायिक दंगों से मुक्त था। जब मुस्लिम लीग के बहकावे में कुछ लोग पाकिस्तान की ओर पलायन कर रहे थे, तो इस इलाके के एक जाने माने नेता थे उस समय, उनका नाम था चौधरी मोहम्मद यासीन खान। उनके आग्रह करने पर खुद गांधी जी ने मेवात के निवासियों से पाकिस्तान ना जाने की अपील करके मेवात के गांव घसेड़ा पहुंच गए थे। इसके फलस्वरूप सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंचे हजारों मेवाती वापस भारत लौट आए थे और पाकिस्तान से उनके लौटने का एक कारण वहां की सांस्कृतिक कट्टरता और परिस्थिति में ना ढल पाना भी माना जाता है। आजादी के पिछले 75 साल में अनेकों हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जैसे बाबरी मस्जिद गिरना, बाबरी मस्जिद का विध्वंस और 2002 की गुजरात हिंसा, लेकिन इस सबके बावजूद भी इस क्षेत्र में यानी मेवात में लोगों ने सांप्रदायिक दंगे नहीं किए। मेवात अनेकों उकसावों और भड़काऊ बयानों के बावजूद भी सांप्रदायिक हिंसा से दूरी बनाए हुए हैं और इस बार वहां के लोगों ने इसका उदाहरण भी पेश कर दिया है। हालांकि अगर पिछले साल नूह में जिस तरह से तनाव की स्थिति फैली, उसके लिए जांच एजेंसियों और हरियाणा पुलिस पर भी सवाल उठाए गए थे। नूह हिंसा की साजिश में पिछली बार 3 लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी और मामन खान का नाम शामिल था, लेकिन इस बार ये तीनों ही जल अभिषेक यात्रा से दूर रहे। बिट्टू बजरंगी को परमिशन नहीं मिली। हमारे चैनल पर लिए एक इंटरव्यू के दौरान बिट्टू बजरंगी ने कहा था कि यात्रा में अगर उन्हें जाने का मौका मिला, शासन प्रशासन की तरफ से इजाजत दी गई, तो वे जरूर जाएंगे और उसमें शामिल होंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस बार बिट्टू बजरंगी को इजाजत नहीं मिली। सोशल मीडिया पर भी किसी तरह के प्रचार करने पर रोक लगाई गई थी और उनके घर के बाहर भी नोटिस लगा दिया गया था। इसके अलावा जो दूसरा नाम था, मामन खान था, वह फिलहाल अभी विदेश यात्रा पर है। तीसरा चर्चित नाम मोनू मानेसर का था। मोनू मानेसर पर कई केस दर्ज हैं और कई तरह के आरोपों से वह घिरे हुए हैं। पिछले साल हिंसा भड़काने का मुख्य कारण सोशल मीडिया था, जिसे इस बार बंद कर दिया गया था। इलाके की इंटरनेट सेवाएं इस बार स्थगित कर दी गई थी, जिससे लोग एक दूसरे को भड़काऊ भाषण कोई वीडियो प्रसारित ना कर सके और चारों तरफ पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
इस बार नूह में मेवात में जिस तरह का माहौल देखने को मिला, उसमें लोगों की भागीदारी के साथ साथ प्रशासन की भी भागीदारी देखने को मिली। तो हमारी तो यही अपील है, इस बार हरियाणा में ही नहीं बल्कि नूह में जिस तरह से शांति सद्भाव देखने को मिला है, उम्मीद है कि हर साल भी इसी तरह लोग आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे, क्योंकि एकता में बल है। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।